हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज है डे थर्ड, और नहीं वैसे डे सेकंड कहलाएगा। कल हम रात को खाना खाके जल्दी सो गए थे, सो अब हम सब तैयार हो चुके हैं। आद्य भी तैयार है, मैंने और इन्होंने सेम पहना है। सो अब हम जा रहे हैं, पहले कंजक बिठाएंगे, कंजक नहीं बिठा पाए थे कल, और उसके बाद हम जाएंगे। यहाँ पे ना एक झरने वाला मंदिर है, मुझे उसका भी नाम नहीं पता, तो वहाँ पे हम दर्शन करेंगे। ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, निकलना सुबह 12 बजे था, बट कोई बात नहीं, एक ही जगह जा रहा है तो टेंशन नहीं है। तो चलते हैं, कंजक वगैरह बिठाते हैं और बाकी फिर आप लोगों को दिखाएंगे जैसे जैसे जो भी रहेगा सिस्टम। ठीक है, ये बैग ले लो, चलिए मिलते हैं आप लोगों से। भाई आज का वेदर है कुछ ऐसा, बारिश बारिश जैसा ही हो रहा है, रास्ता तो कुछ खास धूप भी नहीं निकली है। सो यहाँ पर आए हैं, अब कंजक बिठाई जाएगी। ले लिया है कंजक के लिए प्रसाद, कंजक बिठाते हैं। ये बैठे हुए हैं बच्चे, लो चलो स्टार्ट करो। बुगू खड़ा कर दो ना भैया, क्या हाथ में पकड़ा हुए थाली, ला बुगू को मुझे गोद में दे दो। जय माता दी, जय माता दी। 9 लड़की और 1 लड़का। अगर आपको जैसे अपने वहां पे वो ना कंजक ना बिठा सको तो आप यहाँ पे बिठा सकते हो। 9 लड़की और 1 लड़के को देते हैं हमारे में, तो बाकी होता तो मोस्टली यही है, बाकी पता नहीं है कैसे क्या होता है। वेदर अच्छा हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है वेदर, तो बारिश जैसा मौसम है बट बारिश भी हो सकती है। जगह पर कंजक दे रहे हैं और आराम से हम खड़े हैं दोनों, यहाँ दे हम खड़े हैं आराम से, पापा कंजक दे रहे हैं। मंदिर की तरफ वो है, उस मंदिर का नाम है धनसर वाले बाबा। सब बैठ चुके हैं, ऑल सेट, और अब आपको वहीं जाके दिखाएंगे जैसा भी है दर्शन आप लोगों को। यात्रा स्टार्ट करी है, थोड़ा सा नीचे से उतर के है। सो पैदल यात्रा, ऐसा है कुछ व्यू। यादव और आद्या के पापा देखो, हाय करो, हाय हाय, कहाँ आए हो आप? अरे बुगू के पापा थक चुके हैं, बुगू के पापा से चला नहीं जा रहा, और मैं और बुगू दौड़ दौड़ के जा, मैं और बुगू आराम से चल रहे हैं बिल्कुल। इसलिए कहते हैं खाया पिया करो ना, खाने पीने के नतीजे है ये जो हम इतने अच्छे से चल रहे हैं। है बुगू, जय कर दियो बुगू, बुगू जय कर दे, जय। ये कुछ इस टाइप का बना हुआ है, सब यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं वहीं पे फोटोज वगैरह क्लिक कराएंगे। अब जा रहे हैं बाबा धनसर के दर्शन करने के लिए। ये रही हमारी आद्या जी, धीरे 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 चलती हुई चमाई कल्ला में लबीता। देखिए बाबू, जय करियो बाबू, जय जय। चलो चलो, अमाम अमाम छे आ को मजा आ रहा, पानी में इतना डर रही थी। ये है मेन व्यू, जो हम पहले आए थे ना तो हमें यही व्यू दिखता था उस टाइम पे। हाँ जी, पकड़ना इसका हाथ, देखो गिरे ना, थोड़ी सी ढलान सी है ना, डेकोरेट करा हुआ पूरा मंदिर। धनसर वाले बाबा हैं, धनसर वाले बाबा।
बाबा की गुफा जिसमें बाबा विराजमान है। मेन व्यू देख सकते हो आप लोग, ये डेकोरेशन है, ये मंदिर है और ये वाली गुफा थी। सजावट इतनी सुंदर हुई हुई है ना यहाँ पे बंदरों की वजह से, इतना हंस किस पे, शिवरात्रि के ओकेजन पे सजावट हुई थी यहाँ पे। अब तक मैं ही गिर जाती ब्लॉगिंग के चक्कर में। और अब चले हम बाहर की ओर, क्योंकि एक बंदर है उसने बहुत दुखी कर दिया, उसे लग रहा बैग में हमारे कुछ है, कुछ नहीं था, बस उसे गलत फहमी सी हो गई थी। चाय वाय हो चुकी है डन, ये आ गई हमारी मैगी गर्मा गर्म, चाय वहाँ पे हो चुकी है ठंडी, और यहाँ का व्यू है कुछ अब ऐसा, वेदर हो रहा है, खूब सारे फोटो खींची है, वीडियोस भी बनाई है। अब वेदर देखो, अब ऐसा वेदर हो गया है जैसे ना बारिश होगी, और मज़ा आया यार कुछ भी कहो। सामने देखो अब वेदर तो, ये देखो रात का व्यू, ये हमारी आद्या जी सो चुकी हैं गोदी में, ये है रात का व्यू। और अब हम चले अपने होटल की ओर। हाँ जी, कितना मजा आया दर्शन दर्शन करके, बहुत मजा आया ना भाई। जो फॉल वाला था ना सिस्टम, वो तो हमने पहली बार देखा है, पर दिल खुश हो गया। और वैसे वैसे मैच कर रहे हैं तो और ज्यादा खुशी हो रही है। बुगू नीनू करके उठ चुकी है, उठते इन्होंने पोती कर ली थी जो कि पापा ने साफ करा दी है। है बुगू, हप्पा खाने चले चले, हप्पा खाने, पापा को बोलो पापा हप्पा खाने चलो। बुगू डिनर करना है, और कितना हमको भूख लगी, मैडम भूख लगी आपको? बाबू मंगाए हैं नूडल्स, इन्होंने तो खा भी लिए मेरे रह रहे भाई। डिनर के बाद है इट्स स्वीट टाइम, अरे बाप बेटी टूटे पड़े हैं सौंफ के ऊपर। सब डिनर हो चुका है डन, खाना बहुत टेस्टी था, मज़ा आया ना खाने में, खाना और डेजर्ट दोनों ही बहुत टेस्टी था, और ठंड भी बहुत सी वाली हो रही है। अब चले हम चलो ना, इन्हें मालिश करानी है फिलहाल, तो मालिश कराने हैं ना, हम मालिश के लिए रूम पे क्या, वैसे तो बहुत लोग हैं, सोच रहे रूम में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और फिर भी देखते हैं मालिश कराते हैं, ये कराएंगे मेरा पता नहीं है कराऊंगा, इनकी तो कराएंगे। चलता है यार, थक गए हमारी नींद, तो अब सोया जाएगा जाने के बाद। चलिए चलते आगे, हाँ मेडिकल पे चलो ना, वो दवाई पता करनी है इसकी बुगू की। सुबह इसके पापा एक दवाई लेके आए थे बुगू के लूज मोशन की, उसका ये पूछ के नहीं आए थे कैसे देनी है कैसे देना, हमने दी भी नहीं, तो एक बार सोचते हैं वो भी पता कर लेते हैं जब नीचे आए तो। वैसे अब लूज मोशन ठीक है, पर पता तो करें कि बाई चांस बाद में लगे तो दी कैसे जाएगी। देखो नाइट व्यू ना यहाँ का कुछ ऐसा है मार्केट का, भाई यहाँ चल रही हो मालिश, लोग गए थक। और मालिश से ज्यादा इन्हें दर्द हो रहा है। हाँ जी, कड़े कड़े हाथ लग रहे हैं, मालिश करा रहे हैं। किसको भगा ले हो, डॉगी को? भाई बॉबो है वहाँ, उसको करिए चल चल, भगाओ भगाओ डॉगी को भगाओ। और फाइनली हमने भी मालिश करा ली। हाँ रिलैक्स, हाँ जी रिलैक्स, कैसा लग रहा है मालिश करा के? लाइफ में पहली बार मालिश करा के खुश हो रहे हैं, मैं घर पे इतनी मालिश करती हूँ जब इतने खुश नहीं होते। ये देखो, ये एक गंदा बच्चा, ये गंदा बच्चा पीछे गिर गया, देख लो उसको पकड़ लो, खड़े हो इसको। ये मोहतरमा मालिश कराती हूँ, देखो ये देखो, ये देखो, ये हमारे बुग्गू को मस्ती छा रही है, इसको तो साइरिया की मस्ती छा रही है, पूरी हो गई है ना तुम्हारे, इसको नहीं देगी हमें। ये देखो, आप रहने दो, आप बैठ दो।